हाँ स्क्रिप्ट के हिसाब से केकेआर को जिताना है। हाँ हाँ चलने दो चलने दो। क्या कह रहे हो, एसआरके का चेक बाउंस हो गया? कौन क्रीज पर है अभी? बटलर है, बटलर बहुत बढ़िया। अच्छा टेस्ट पारी खेल रहा है अब तक। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जॉस को बॉस बनाता हूँ। न डरे न जिम करे, जॉस द बॉस नाम है बेटा। टाटा नैनो से टार्जन बन जाऊं जब मन करे। लिरिक्स मुझे नहीं आती, कट कर दो। ये सब दुगलापन है। पर अगर आपको ये लगता है कि इस चेस का असली हकदार जॉस द बॉस भाई हैं, तो आप भैया गलत हो, क्योंकि सामने से नौ स्ट्राइक पर आवेश खान भी था भाई। ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम है वो। पर राजस्थान वाले भी कम नहीं है, उन्हें भी पता था कि जॉस भाई जिस तरीके से चेस कर रहे हैं, अगर हम मुकाबला जीत गए ये बंदा हेलमेट किसी के सर पे दे मारेगा। इसीलिए उस बंदे को बिना हेलमेट ही भेज दिया। एनीवे यार मुकाबले की तरफ चलते हैं और केकेआर के लिए सुनील नारायण बैटिंग करने आते हैं। सुनील नरीने के हेकड़ी राजस्थान के सामने निकल रही है 85 का स्ट्राइक रेट। हा 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 हा। तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई की इस पूरी बात पर सुनील नारायण का रिएक्शन। ना ना एडिटर भाई, कोई मीम डालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिएक्शन दूंगा। क्या बोला तूने? भाई वो सुनील नारायण है, हमारा काम है रिएक्शन देना, उसका काम सिर्फ एक्शन करना ही है। रिएक्शन भले ना हो पर एक्शन पूरे हैं। नॉनसेंस किताब है ये, ये तो सोडी हाथी और भीड़े जैसों के लिए, मेरे लिए नहीं। नारायण भाई आज आपने बहुत चौके छक्के मारे, आपको कैसा लग रहा है? ओके आपने शतक मारा, आपको कैसा लग रहा है? आपने विकेट्स लिए, आपकी टीम मैच हार गई। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। यार गंभीर सर का भी ठीक है, नारायण को उठा के सुपरस्टार बना दिया। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। हाँ वो बात अलग है, कल मैच के बाद लोग बोल रहे थे कि नारायण के अलावा बाकी प्लेयर्स पे भी ध्यान दिया होता तो मैच भी हम जीत जाते। केकेआर के इतने रन बनाने के बाद तो हमें यही लग रहा था कि ये मुकाबला केकेआर ही जीतेगा, पर जैसा मैंने आपको बताया, जैसा भाई ने बोला, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज मांगता है। फिर क्या था, हाफ फिट जॉस भाई से भी सुपर हिट केकेआर को अकेले तोड़वा दिया। बहुत मारा मतलब वैसे तो इस मैच में बहुत से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब गई है, पर अश्विन भाई की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हमें यूट्यूब पे कंटेंट की कमी नहीं होने वाली। अश्विन भाई यही रहेंगे बनाने के लिए। मुझे क्यों तोड़ा? और इस मैच में चहल भाई ने श्रेयस भाई की विकेट भी ली है। I mean, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ही स्कोर कार्ड बता दिया। क्योंकि चहल भाई भी कह रहे थे कि तूने मेरे से जो लिया है उसके बदले तेरी विकेट लेना तो बनता ही है। ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं है, इसको कट कर दे। मैच के बाद जॉस भाई भी यही कह रहे थे कि नारायण तेरे अंदर भले गेल की आत्मा आ गई हो, पर मेरे अंदर की मेरी ही आत्मा काफी है तुम्हारी पूरी टीम को परमात्मा की याद कराने के लिए। नारायण नारायण। जॉस भाई की इस पारी से केकेआर के सभी फैंस तो दुखी ही थे, पर दो लोग सबसे ज्यादा दुखी थे। हाँ मतलब ये भी कह रहे हैं ना कि बहनचो इतनी मुश्किल से शतक हम मारते हैं और अंत में ये शतक मारता है और क्रेडिट सारा ये लेके जाता है। मतलब ये क्या बात हुई यार, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सह लेंगे थोड़ा सा। पर सिर्फ यही दो लोग दुखी नहीं थे, उधर हार्दिक भाई भी रोहित भाई को समझाने पहुंच गए कि सीखो भाई शतक मारने के बाद मुकाबले कैसे जिताने होते हैं। पर वैसे तो मैं भी हार्दिक भाई से कहना चाहता हूँ कि सीखना तो आपको भी सुनील नारायण से चाहिए कि ऑलराउंडर क्या होता है, बैट और बॉल दोनों पक्षों से खेलना होता है, दोनों टीमों के पक्षों से नहीं खेलना होता। बाकी इस मैच में राजस्थान को जिताने में हमें चार लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए, जॉस बटलर, रोमन पावेल, रियान पराग और मिचेल स्टार्क। एनीवेयर लेकिन मजाक से हट के जॉस द बॉस ने जिस तरीके की पारी खेली 100% फिट ना होने के बावजूद भी, और जब एक स्टेज पे आरआर के जीतने के चांसेस मात्र 1.02% बचे थे, वहां से इस मुकाबले को पलट दिया और आरआर की झोली में डाल दिया। ऐसा सिर्फ जॉस द बॉस ही कर सकते हैं। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो भाई सच में आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन ऐसा कुछ आप वर्ल्ड कप में इंडियन नामी टीम के खिलाफ ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, बाकी तो सब कुछ सही है। ठीक है समरिया। एनीवेयर जीत हो या हार, हमें सुनील नारायण भाई से मोटिवेशन लेते हुए मुस्कुराते रहना है और आपको वीडियो लाइक करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना क्या पता अगली स्क्रिप्ट आपके टीम के खिलाफ चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी मौज देते लेते और करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द।